हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने सौंपा ज्ञापन। सोजत की सामाजिक संस्थाओं एवं प्रबुद्ध जनों ने उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ के मार्फत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के नाम एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया गया कि सोजत के राजकीय जिला चिकित्सालय में डायलिसिस कन्नलर डोपलर टेस्ट मशीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने, ट्रॉमा यूनिट निर्माण को और तेज गति प्रदान करने, DMFT फंड से सोजत अस्पताल की रिपेयरिंग के लिए जिला कलेक्टर से 1.25 करोड़ की राशि जारी करवाने, अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के 14 पद व नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ के 45 पद भरने, सोजत दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पैनोरमा टेलीस्कोप संग्रहालय, लाइट एंड साउंड सिस्टम विकसित करने, पुस्तकालय वाचनालय टाउन हॉल खोलने, धार्मिक कॉरिडोर बनाने, पुरानी पुलिस थाना भवन में आयुर्वेद यूनानी औषधालय खोलने, पुस्तकालय वाचनालय व जिम खोलने, नवीन औषधिक क्षेत्र विकसित करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इन्होंने दिया ज्ञापन। इस मौके वरिष्ठ नागरिक समिति, सोजत सेवा मंडल, अभिनव कला मंच, पेंशनर समाज एवं मेहंदी दलाल एसोसिएशन, भारत विकास परिषद, एक पहल आपकी सेवा आदि के गोवर्धन लाल गहलोत, राम भजन बंसल, डॉ आनंद भाटी, चेतन व्यास, राम किशोर राठौर, जितेंद्र श्रीमाली गोविंद दवे, हीरा लाल आर्य, राकेश पवार, गौतम तवर, जवरी लाल बोराना आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।